गाइस वेलकम टू कॉन्सेप्ट एंड कोडिंग एंड दिस इज श्रेयांश और आज है हमारे साथ मोहित सो टू बी ऑनेस्ट मोहित uh, से मेर, मेरा जो इंटरेक्शन है वो एक शायद कॉल है जहाँ पे हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था फॉर करियर गाइडेंस बट टू बी ऑनेस्ट इससे ज्यादा कुछ नहीं है तो so, मोहित लेट्स आई नो दैट यू हैव स्विच फ्रॉम ऑरकल टू मूडीज एज पर द लेटेस्ट रिसेंट कॉल बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट हैव एनी लाइक मैंने गो थ्रू नहीं किया प्रोफाइल क्या तो आई विलेक अपॉर्चुनिटी ऑल्सो एंड वी ऑल वु लव टू नो योर जर्नी योर लर्निंग प्रोसेस कि क्या क्या आपने प्रैक्टिस की क्या क्या आपकी जर्नी है और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही एंड इंटरव्यूज कहाँ से लाए रिज्यूमे बिल्डिंग में आपने क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया तो वो सब आपके थ्रू आज वी विल ट्राई टू सी वी कैन गेट एज मच एज इंफॉर्मेशन यू कैन प्रोवाइड so thank sure. you for accepting the invitation Mohd. Yeah, thank you sir. so uh, basically many oracle so um, let me uh, start from my background as well so i have done my graduation from NIT delhi electronics and communication engineering say 2021 mein. after that i have uh, joined deloitte <laughs> and uh, i worked around 1 year and 2 months in deloitte and then uh, due to my family urgency may go deloitte chhodna because they were asking for the hybrid and all and i was not comfortable for going to office so basically there my role was related to rest api backend development mein. and it was very limited task so I have a forceful change and then i joined cgi because they were offering me work from home job uh, for some months एंड सी जी आई में भी जब मैं आया तो इनफैक्ट इज सेम रिलेटेड काम था एंड जस्ट ए पी आई एंड ऑल थोड़ा uh, काम बेसिक बेसिक so, depth, uh, से ही था तो आई वॉज नॉट गेटिंग दैट डेप्थ जिससे मेरे को थोड़ा एक्सपेंड करने को मिले बट मार्केट सीनेरी वॉज ऑलरेडी डाउन सो वहाँ पे आई वॉज लुकिंग आउट फॉर सम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज सो इनिशियली मेन मेरा प्रोजेक्ट भी एंड होने को था तो देर वॉज द चांसेस की आई कुड हैव बिन लेड ऑफ सो आई वॉज आई स्टार्ट लुकिंग आउट सो नॉमली जैसे लोग लुकआउट करते हैं आई स्टार्ट विथ नौकरी इनिशियली मेरा कॉल वगैरह ज़्यादा नहीं आता था तो देन आई थॉट कुछ स्ट्रेटेजी में कुछ गलती हो रही है मेरे से अप्लाई करने के वक्त तो so, मेरे फ्रेंड uh, के साथ मैंने जॉब हंड चालू किया एक्चुअली वी वेयर काइंड ऑफ थ्री टू फोर फ्रेंड्स हु लुकिंग आउट टुगेदर फॉर जॉब तो हम लोगों ने सबने एक ग्रुप बना के वो किया तो हमने फिर क्या किया कि हमारे पास हमें पता लगा कि हमारे पास अगर कुछ एडवांटेजेस है अगर मेरे पास जेलॉइट है सी जी आई एज अ ब्रांड है एन आई टी एज अ ब्रांड है तो मैं इसको थोड़ा सा फ्लॉन्ट करूँ कि थोड़ा सा मैं दिखाऊँ करके तो फिर मैंने अपने आ, कुछ कुछ लिंकड इन पे मैंने प्रोफाइल पत, आ, मैं, मैं अटैच कर दूंगा मेरे प्रोफाइल में मैंने की वर्ड्स अटैच कर दिए अपने आ, उस पर प्रोफाइल के ऊपर जैसे आइडेंटिफाई हूँ भीड़ के बीच में कि मैं रियलाइज हुआ की अगर मैं किसी को बताता था कॉलेज पे कॉलेज के बारे में तो वो इसमें इंटरेस्ट लेते थे लेकिन कॉल कन्वर्ट नहीं हो रहे थे तो मैं इस चीज के लिए रेडी था कि हंड्रेड कॉल आएंगे या हंड्रेड मेल्स आएंगे उसमें से दो या तीन इंटरव्यू भी मिलेंगे और उस दो तीन में से एक कन्वर्ट होगा तो इस वे में मैंने स्टार्ट करा था देन मेरे को नौकरी के एक ईमेल से पता लगा कि एक्चुअल में इंटरव्यूअर खोजता क्या है मतलब जो एचआर होता है वो करता क्या है आपके इंटरव्यूज के लिए मुझे नीचे में एक बार रैंडमली स्क्रॉल करने गया नीचे में अगर आप कभी जाएओगे तो अगर आपके ईमेल मेल में नहीं लिखा हुआ है तो लाखड़ी में वो मेल में लिखा रहता है कि किसने मेल आपको भेजा है तो मैं वहां से ईमेल आईडी पिक कर लेता था और वहां पे कीवर्ड्स लिखे रहते मेल कि नौकरी फलाने कॉम से मेल आता है तो वो अच्छा, आखिरी में जब आप जाओगे एकदम लास्ट में स्क्रॉल डाउन करोगे जिसमें वो पॉलिसी लिखे थे उससे ठीक ऊपर कुछ की वर्ड्स लिखे रहते हैं की अगर आपको ये सेंडर ने मेल कराया तो वो मेल किस बेसिस पाया क्योंकि वो वो क्या करते हैं कि सेलेक्ट करते हैं ये ये जिन से मैच हो रहे हैं उनको ऑटोमेटिक मेल चला जाता है क्योंकि वो अगर वो, अगर वो अ, मेरा नाम लिख करके मेल नहीं आया तो वो मोस्ट प्रोबेबली सिस्टम जनरेटेड होता है मेल तो वो मेल आता है आपको कीवर्ड के की बेसिस पे तो ये मुझे पता लग गया कि अच्छा नौकरी का ऐसे आता है फिर नौकरी में मेल Uh, कई बार मैं क्या करता था कि अपना प्रोफाइल तो डेली आप अपडेट करो ही करो इट्स तो. का पहले अंदाजा नहीं होता था कि आपको पुराने जॉब पे आपको में पहले देखता था कि इतने इतने भीड़ के में, में मेरा अप्लीकेशन कैसे जाएगा ऊपर फिर मेल्स भी मैं इनफैक्ट जो करता था एचआर को तो मैं ओवरनाइट करता था एक बजे रात को ताकि सुबह जब एचआर अपना लैपटॉप खोले तो मुझे मेरा मेल पहले दिखना चाहिए उसको और Uh, fact, uh, तो इस तरह से मैंने अपना जॉब एप्लीकेशन स्टार्ट करा था तो इन सब चीजों के बीच में यह हुआ कि मुझे कॉल्स आने लगे लकीली मुझे कॉल्स आते थे क्योंकि uh, मैंने जब जून जुलाई से अप्लाई करना स्टार्ट किया था तो मुझे मैंने इनफैक्ट मोर देन वन फिफ्टी इंटरव्यूज दिए होंगे अगर अच्छा कम से कम दिए होंगे तो तो इन बीच में, में मेरा ऑफर कन्वर्ट नहीं होता था तो ऑफर कन्वर्ट नहीं होता था लेकिन बाद में धीरे धीरे uh, uh, ये चीज uh, वो होने लगी कि पता लग गई लग गई इंटरव्यू एक्सपीरियंस है कि उनको चाहिए क्या तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है जो आपने पहले चीज बताई कि नौकरी.com से जो कीवर्ड्स लिए वो कीवर्ड्स का आपने कहां यूज किया कहाँ पे डाले उन कीवर्ड्स को तो आप अपने नौकरी प्रोफाइल में जाओगे तो पता लगेगा वहां पे नीचे में कीवर्ड्स का सेक्शन होता है प्रोफाइल उसमें आपको मिलेगा आपके कीवर्ड्स डालने के लिए के, तो उस जगह पे आप

अच्छा 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 और लेकिन तब तक आपने छोड़ा नहीं था मतलब आप सर्विस नोटिस मैंने नहीं, नहीं था और और ये चीज जो लिंकडिन पे आप बोल रहे हैं कि आप ओवरनाइट मैसेज करते थे तो तो किनको करते थे कहाँ से लेके आते थे उनको कैसे ढूंढते थे कि हाँ इसको मेरे को मैसेज करना है इंजीनियर को करना है मैनेजर को करना है एचआर को करना है तो हाउ यू डिसाइड फिल्टर आउट दैट की हाँ ये बंदे को मैं करता हूँ हाँ तो मेरे पास ना नौकरी इनबॉक्स में पहले तो मेल्स आते थे तो मेल्स जो वहां आ गए वहां से ईमेल आ गए फिर मेरे फ्रेंड्स जैसे मैंने बोला कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह हम लोग सारे मिलके अप्लाई करे थे तो मेरे फ्रेंड को इन्फर का कॉल आ गया लोविस का कॉल आ गया किसी को किसी का कॉल आ गया मुझे गवर्नमेंट सेट से कॉल आ गया तो हम लोग क्या करते थे आपस में कॉन्टैक्ट ई मेल आई शेयर करते थे शेयर करते थे और तो हम लोग क्या करते थे कि सौ डेढ़ मेल एक साथ लगाते थे किसी ने बीसीसी में डाल करके सबको मेल कर दिया एक साथ और इनफैक्ट मैंने लिंगड का प्रीमियम भी ले लिया था दो मंथ के लिए क्योंकि स्टार्टिंग दो मंथ फ्री था तो मैंने उसका भी यूटिलाइज ठीक ठाक करा था कि मैं आ, कहीं पे अगर मुझे जॉब पोस्ट दिखती थी और वो जस्ट आवर्स की पोस्टेड थी तो मैं इंडिविजुअली पहले कनेक्ट कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता था साथ पर्सनली उनको मैसेज भी कर देता था कि हाँ मैंने आपका ये पोस्ट देखा है करके और मेरे केस में एक चीज अच्छी ये होती थी मोस्ट ऑफ द केसेस में डिसअपॉइंट होते होंगे लोग कि हाँ हमारा मेरे केसेस में एक एडवांटेज था मेरे लिए जरूरी है कि मैं आ, अपना कॉलेज का टैग यूज कर लेता था और डेलॉइट का मेरा टैग लगा हुआ था वो मुझे हेल्प करता था रिज्यूमे में थोड़ा आगे ले जाने के लिए था इंटरव्यू आपने बोला 150 तक आपने रेफर दिए ये दिए ये दिए 150 तक इंटरव्यू दिए हां <laughs> अब अब मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का बताता हूँ जब इंटरव्यू स्टार्ट करा था मेरा फर्स्ट इंटरव्यू अभी भी याद है मुझे मुझे अप्रैल को का था तो मुझे उस समय रेस्ट एपीआई का भी नॉलेज नहीं था तो मुझे पता इंटरव्यू से मुझे टॉपिक पता लगा की uh, मतलब रेस्ट एपीआई इन टर्म्स ऑफ थेटिकल नॉलेज नहीं थी दे देर एक्सपेक्टिंग मी टू से आप काम कुछ करते हो लेकिन वहां पे आपको बोलना वही होता है जो इंटरव्यूअर चाहता है आपसे तो वहां से मेरे को पता लगा अच्छा ये पूछी जाती है फिर आपका प्ले लिस्ट मुझे रैंडमली पॉपअप मिला मुझे जावा प्ले लिस्ट तब मैंने थोड़ा डेप्थ में जाना कि उससे पहले तक मुझे जो स्ट्रेटेजी पता थी वो मतलब ऐसी थी कि जिसको आप बिगनर लेवल पे एक्सपेक्ट करते हो नॉट एट टू ईयर एक्सपीरियंस लेवल तो जावा नॉलेज मुझे वहां से मिल गई मुझे फिर रेस्ट एपीआई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक चैनल है कॉन्सेप्ट एंड कोडिंग कॉन्सेप्ट एंड कोडिंग के अलावा आपको कोड विद दुर्गेश कोड विद दुर्गेश से मैंने रेस्ट एपीआई स्पेसिफिकली और स्प्रिंग बोर्ड

जैसे मुझे स्नेक एंड गे लैडर गेम कहीं पे पूछ लिया था अब मुझे लो लेवल डिजाइन अगर नहीं आता है तो मैं नहीं बना पाऊंगा तो वो चीजें फिर मैंने आपके प्लेलिस्ट से स्टार्ट करा था फिर वो प्लेलिस्ट जब डिजाइन पैटर्न इनफैक्ट वहां से फिर लर्न uh, करा कि अच्छा कई जगह पूछ लेते थे कि पॉपअप नोटिफिकेशन कैसे बनाओगे ये कैसे बनाओगे तो सिंगल डन पैटर्न से रिलेटेड तो ये सारी चीजें फिर आपसे स्टार्ट करते करते इस तरह से मैंने प्रिपरेशन साइड में कंटिन्यू रखा एंड टिल ऑगस्ट तक मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी थी एंड ऑगस्ट तक आई गॉट द ऑफर लेटर फ्रॉम ओरकल एंड आई गॉट ऑफर लेटर फ्रॉम ब्रिटिश टेलीकॉम सो आई ज्वाइन मंथ And October month, uh, but I got a better opportunity in tech wise. And then, uh, parallelly, I joined Moody's. Moody's, uh, uh, I forgot to add two more platform which I used Insta Hire. In fact, tech -mojo ke taraf se offer jab tha, that was my highest offer, uh, but I still, uh, like it didn't join because of work from office, uh, scenario uh, all day mandatory. It was in uh, in a week, so okay. I didn't join Tech Mojo due to that reason. And, uh, but

तो सो बेसिकली आप फोटो वोटो मत लगाओ फोटो वगैरह लोग लगा देते हैं सो आई यूजली डोंट आप uh, सबसे पहले एक चीज चेक करो आपका रेज्यूमे एटीएस कंपायलेंट है या नहीं तो so, एटीएस कम्पायलेंट करने के लिए आप जाओ इन रैंडम एटीएस फ्री स्कोर चेकर की आपका मशीन फ्रेंडली कितना है आपका रेज्यूम तो एटीएस स्कोर अगर आपका कम है तो यू डेफिनेटली यू शुड वर्क तो मैं एक दो बता देता जैसे तो तो hmm. मेरा खुद का जो है है में मैंने बना रखा तो आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डालो कि आपका tech -wise क्या आप, आप आ, जानते हो और क्या वो शॉर्ट इंट्र, इंट्रो आप रख सकते हो उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हो वर्क एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है सो विद इन टास्क आप कर क्या रहे हो करके उसमें एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि आप रेवेन्यू बना like बढ़ा दिया या आप पहलेकेशन इतना टाइम लेता था आपने टाइम इंप्रूव करके इतना आ, कर दिया तो दीज टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे और मैं क्या करता था कंपनी टू कंपनी अपना टेक tech... चेंज करता था जैसे मेरे पास दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन कई बार मैं एंगुलर नहीं रिक्वायर्ड है तो मैं एंगुलर हटा देता था तो मैं नोम रिज्यूमे में मेरा टेम्पलेट पड़ा रहता था, था तो मैं टेम्पलेट से जाकर के बस मुझे बस एक डिलीट करना होता था तो इट वॉज नॉट अम टास्क

एक बार आप जो लिंक दोगे जो आप बोल रहे हैं उनका तो मैं वो डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा मैं और मैं आपकी लिंक इन प्रोफाइल भी डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा जो आपने इधर रिज्यूमे पे दी है सो दैट इफ एनी बड़ी हैजनी फर्दर क्वेश्चन दे कैन इंटरेक्ट विद यू मैन Sure. Uh, मैं आपको इनफैक्ट uh, ये भी दिखाना चाहूंगा कई बार मैं, मैं मेल किसी को करता था तो मेल करता था तो इस तरह से मेरी हेडिंग होती थी जैसे एप्लीकेशन इंजीनियर सर्विंग नोटिस पीरियड इस तरह से मैं हेडिंग करके एकदम लिखता था कि, आ, कि आ, किसी आ, को भी दिख जाए सर्विंग नोटिस पीरियड इमीडिएट ज्वाइनर इस तरह के मैं कीवर्ड्स यूज करके मेल करता था कि मुझे पता है कि मेल जाएगा तो सब्जेक्ट इतना ही देखेगा पहले शुरू में तो उससे थोड़ा हेल्प हो जाए तो ये ये आप ट्राई कर सकते हो थोड़ा थोड़ा चीजें आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे एनआईटी ए आई टी लगा दिया ए आई टी लगा दिया आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग डाल दिया कुछ अगर ऐसा है तो कई लोग क्या करते हैं कि करते करते हैं 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 करके करके वो follow up करना भूल जाते हैं। मेरे साथ M -Pocket का का जब मैंने MODIS join किया तो मुझे ऐसे नहीं मिला था लोग छोड़ दिया हारे कुछ नहीं आया मैं तीन दिन बाद चार दिन बाद वापस से फॉलोअप करता था तो मुझे एम पॉकेट में मैंने तीन दिन बाद वो फॉलो अप किया तो मुझे एचआर ने टेस्टिंग भेज दिया तो, that conver, that तो आप फॉलो अप भी करो आप फॉलो अप भी करो आप कॉल्स uh, भी, भी, करो अगर आप फ्रेंड से नंबर ले सकते हो एचआर से के नंबर तो मैं तो, तो हमने तो बंदे तो मतलब एक मोजो मोटी एम पॉकेट फिर उसमें से देन वाह नाइस स्किल मैन बहुत प्रिपरेशन आई नो द एफर्ट यू हैव पुट इन दैट बट नाइस मैन दैट्स अ बिग अचीवमेंट मैं मैंने मैंने अकामाई टेक्नोलॉजीज के एचआर को आ, मुझे कन्वर, कन्वर्ट हुआ था इंटरव्यू में दैट वाज बिकॉज माय फ्रेंड गॉट द कॉल आई डेंट गॉट द कॉल ही गॉट द कॉल ही शेयर मी द नंबर तो हम लोग ग्रुप में ऐसा से, आ, 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 वो करते थे और मेरे भी कई ऑफर्स ऐसे होते थे कि मैं अपने फ्रेंड्स को शेयर करता था तो उनके ऑफर कन्वर्ट हो गए तो hmm. ऐसा आप तीन चार लोग मिलकर वो करोगे तो दिस आल्सो हेल्प्स अ लॉट थैंक्स फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन मैन या थैंक्स थैंक्स टू यू एज वेल इतना बढ़िया प्लेलिस्ट बनाने के लिए एंड इट हेल्प मी अलॉट रियली एंड मैं तो किसी को एक मेरा फ्रेंड है जिसने आपका सिर्फ जावा गाइड पढ़ लिया उसका जॉब लग गया सो इट्स इट्स रियली दैट स्टैंडर्ड कि आप इंटरव्यू लेवल क्रैक कर सकते हो उस चीज को पढ़ के थैंक थैंक्स फॉर द थैंक यू थैंक यू मोहित दिस इज रियली नाइस इंफॉर्मेशन और होपफुली मे बी वेन यू गेट सम मोर बेटर बेटर जॉब तो You will again sure. accept the invitation from us. The, thanks a lot. Sure. sure. Thanks. thanks, yes.